हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपराइज ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज जो है पिछले कल हमने किए थे 30 क्वेश्चंस ऑफ जो पेपर था वो था फॉरेस्ट रेंजर का. 2006 का पेपर था वो. 2006 में जो पेपर किया है उसका पार्ट वन मैंने 30 क्वेश्चंस करवाए थे. उसमें एक क्वेश्चन था मिस वर्ल्ड का, ठीक है. तो मिस वर्ल्ड वो फिलिपाइंस की नहीं है, वो मैक्सिको की थी. तो वहाँ पर वो चीज़ ठीक कर लेना, शी इज़ बिलोंग्स टू मैक्सिको, ठीक है. मिस यूनिवर्स जो है आपकी वो है फिलिपाइंस की. सो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, तो उस चीज़ को आप जरूर ठीक कर लेना. आज जो क्वेश्चंस हैं वो किए थे हमने हिमाचल से, ठीक है. हिमाचल आज जो क्वेश्चंस आएंगे कि उस पेपर में जो अगले क्वेश्चंस थे वो कौन से लेवल के थे वो देखेंगे. तो उस टाइम 2006 में क्या पूछा गया था और आपके जो अब उस टाइम क्या क्या आंसर होगा और आज का रीसेंट डाटा हम उसके साथ मैच करेंगे. तो आई होप कि आपको पिछला सेशन अच्छा लगा था और इस बार भी है जो क्वेश्चंस वो हम मैक्सिमम मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर गिर लॉयंस. गिर लॉयंस के लिए कौन सा वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? वो है गुजरात में, ठीक है. तो गुजरात जो है गिर नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं हम, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है. एंड इट इज फेमस फॉर पर्टिकुलरली एशियाटिक लॉयंस. ये मार्क कर लीजिए कि एशियाटिक लॉयंस जो है वो किस नेशनल पार्क के लिए हैं, वो है गिर नेशनल पार्क. नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन. ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं किस जगह को किस नाम से जाना जाता है. तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज नोन एज नॉर्वे. आई होप कि आपको याद हो ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं किसी रिवीजन सेक्शन में. नॉर्वे, तो लैंड कई बार आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉर्वे को क्या बोला जाता है, नॉर्वे किस नाम से है लैंड ऑफ मिडनाइट सन. अगर हम इसमें एक याद कर लें जो हमने किया था, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, वो क्या है आपका? जापान, राइट. इसको याद कर लेना. नेक्स्ट, व्हाट इज 909 एक बुक है. देखो बुक से कई बार क्वेश्चंस आए हैं. हमने पीछे किया था तो हिमाचल की बुक, इंडिया की बुक से भी क्वेश्चंस आए हैं. 909 क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय नंदिता पुरी. किसने लिखी है? पहला क्वेश्चन है 909 किसने लिखी है, वो लिखी है नंदिता पुरी ने. और ये है क्या? ये जो है ये है आपकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. मतलब जो बुक है वो कंपाइल करती है छोटी छोटी स्टोरीज के बारे में. ये बुक है 909, छोटी छोटी स्टोरीज आएंगी. लिखी किसने है? नंदिता पुरी ने. तो कई बार यही पूछ लेंगे, जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, 909 क्या है? इट्स अ बुक. कई बार ऐसे पूछ सकते हैं, बुक है, पोइम है या कोई गेम है. तो पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि ये बुक है. कौन सी बुक है? शॉर्ट स्टोरीज की बुक है. किसने लिखी है? नंदिता पुरी ने. तो यहाँ तक आपको क्वेश्चंस आई होप क्लियर हो गए हैं. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर विटो होल्डिंग परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशंस यानी जो आपका संगठन है UNO कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में बना था, ठीक है. उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे? 50. और एक लास्ट मेंबर जो था 51 कौन सा बना था? पोलैंड, जिसने बाद में साइन किए थे. इस टाइम पे कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज जो हैं वो UNO की हैं, ठीक है. ये एक संगठन है जो हमारी पूरी पीस सिक्योरिटी कंट्रीज की देखता है. तो इसमें कौन से परमानेंट मेंबर्स कौन से? क्वेश्चन क्या है कि कौन से ऐसे परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास एक विटो पावर है? तो वो 5 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं? 5. पहले यही पूछ लेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स, कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA. रशिया का नाम जो है, या रशिया का नाम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते थे. इसका दूसरा नाम ऐसे भी याद कर लो, पहले इसको कैसे जानते थे? USSR, ठीक है.
फाइव कौन से हैं आपको, परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं इसके, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, यूके, ब्रिटेन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये इसके जो आपके वो हैं हेड, वो कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। फर्स्ट कौन था, फर्स्ट जो था वो था ट्रिग्वे लाई, पहला। अभी कौन है रिसेंट, एंटोनियो, इससे पहले जो थे वो बान की मून, ट्रिग्वे लाई जो थे वो पहले थे, और अभी कौन है एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरेस। तो ये आपको याद, कि कई बार हमसे यही पूछ लेंगे। तो यूएनओ बना कब था, 24 अक्टूबर 1945। उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे, 51 जो था वो पोलैंड जिसने बाद में साइन किया था। अभी कितने हैं, 193 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो इसका हेड ऑफिस है वो है आपका न्यूयॉर्क में, और सिर्फ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो आता है हेग में। तो ये चीज़ आप याद कर लेना। नाउ विच एसिड इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव जूसेस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो पाचन तंत्र है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट है, वो कौन सा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू किल बैक्टीरियाज, टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो खाने में बैक्टीरियाज आते हैं उनको HCl जो है वो मारता है। कहाँ पे होता है, स्टमक में। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद होने से पहले, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष जिसको बोल सकते हो, या आपके राष्ट्रपति कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात नहीं करे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने लगा था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे यानी अध्यक्ष, वो थे आपके JB कृपालनी। ये याद कर लीजिए, JB कृपालनी जो थे वो थे आपके उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, JB के। और इसकी एक, इनकी जो वाइफ थी सुचेता, एक ये भी क्वेश्चन आता है, सुचेता कृपालनी, शी इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब पहली महिला चीफ मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपालनी थी, ठीक है। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वैसे देखा जाए हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन फ्री इंडिया। तो पहले जब आपका इंडिया आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत में पहले इलेक्शंस कब हुए थे, तो पहले इलेक्शंस अगर देखा जाए तो ये हुए थे 1951 से 1952 तक, ठीक है। कब, अक्टूबर से शुरू हुए थे और फरवरी तक चले थे, आई थिंक नवंबर या अक्टूबर में, 1951 से 52। तो कौन पहले जनरल इलेक्शंस एक्चुअली में 51 से 52 के बीच में हुए, तो कई दो फेजेस में हुए थे। तो जब आपके ये इलेक्शंस हुए थे, तो पहला क्वेश्चन है इन विच ईयर, तो इट्स, अगर हम देखा जाए, एक सेकेंड, ये है आपका 1951 से 1952 तक लोकसभा इलेक्शंस जिनको बोलते हैं, वो हुए थे 1951 से 1952 के बीच में। तो आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ ऑप्शन 1952 की दी गई है, तब आपकी है 1952। लेकिन शुरू कब से हुए थे, 1951 से 1952 फरवरी तक चले थे और अक्टूबर से शुरू हुए थे, तो ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2006, क्योंकि हम पेपर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 2006 का पेपर है ये, ठीक है।
तो उस टाइम पे हमने 2000 वर्ल्ड की भी पढ़ी थी. तो अब देखो एक जगह पूछा गया मिस वर्ल्ड 2006, अब दूसरे ही क्वेश्चंस में दूसरे पार्ट में ये पूछा गया मिस यूनिवर्स 2006 कौन सी थी, जुलिका रिवेरा मेंडोजा, जेड आर मेंडोजा भी बोल सकते हैं, उस टाइम की 2006 की, राइट. मैं और इस टाइम की जो यूनिवर्स है 2018 की, वहां पे मैंने आपको बताया था मिस वर्ल्ड फिलिपाइंस, वो फिलिपाइंस की नहीं है, वो मैक्सिको की है. करेक्ट दैट पोर्शन कि वो मैक्सिको की है, वोनेसा पॉन्स. लेकिन जो 2018 की मिस यूनिवर्स है वो भी दिस, वो कहाँ की है, फिलिपाइंस की. प्लीज स्टूडेंट्स उस चीज को करेक्ट कर लेना, फिलिपाइंस ये है. और इनका नाम क्या है, ये है कैरेटिना, स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं आपको, कैटरिना, कैटरिना गे, ये है 2018 की. अगर हम इंडिया की बात करें तो लारा दत्ता, कौन कौन बना है इंडिया से, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, राइट, लारा दत्ता एंड सुष्मिता सेन. लारा दत्ता बनी थी 2000 में और 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन, राइट. तो ये डाटा आप देख लेना. कैटरिना फिर से करेक्ट कर रही हूँ, ये है फिलिपाइंस के, और जो मिस वर्ल्ड थी वो थी मैक्सिको की, वो मैक्सिको को बिलोंग करते हैं. हु इज द प्रेजेंट पॉप एट वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट सिटी, तो वहाँ के इस टाइम के पॉप कौन है. देखो 2006 में जो थे ये थे 2006 में पॉप बेनेडिक्ट 16, अब क्या है, अब कौन है, पॉप फ्रांसिस, पॉप फ्रांसिस 2000 रीसेंट यानी प्रेजेंट, ठीक है. इनका जो टाइम पीरियड होता है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये जो होता है इसका, इनका जो नाम है पॉप फ्रांसिस का, वो नाम है जॉर्ज, पूरा नाम क्या है इनका, जॉर्ज मारिया, मारिया बरगोग्लियो, बरगोग्लियो ये नाम है इनका, ठीक है. तो ये प्रेजेंट है. और एक चीज और कि ये जो पॉप है इस टाइम के 2006 में ये थे, अब कौन है 2018 में, कौन है आपके प्रेजेंट जो इस टाइम के हैं 2019 में, आप ये कर सकते हो, ये है पॉप फ्रांसिस 2019. इनका जो था पीरियड वो 2013 के बाद खत्म हो गया. 2013 के बाद कौन आया, पॉप फ्रांसिस. और कैथोलिक चर्च, कौन सा चर्च है, किस जगह, कौन से चर्च के हैं ये, कैथोलिक चर्च के पॉप हैं ये, तो ये याद रख लेना कौन है, रीसेंट कौन है 2019. कई बार ऐसे ही पूछा जाएगा 2003, इसका जो नेक्स्ट पीरियड हम कर सकते हैं 2013 से लेकर अभी तक, नेक्स्ट 2010 ईयर्स का पीरियड होता है, तो आप ये याद रख लेना. नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन द वर्ल्ड कप 2006, अगेन 2006 का क्वेश्चन है. उस टाइम पे वर्ल्ड कप किसने जीता था, जर्मनी ने जीता था, ठीक है. तो अब किसने जीता है, अगर हम अब बात करें तो कब हुआ था, 2018 में हुआ था वर्ल्ड कप हॉकी का, कहाँ पे हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हुआ था, राइट. और उस टाइम पे जीता कौन था, जो विनर थी वो थी आपकी बेल्जियम. तो किसने जीता था वर्ल्ड कप, बेल्जियम 2018, राइट. और डिफीट किसको किया था, नीदरलैंड को, राइट. अब जो है 2000, चार साल बाद 2022 में
जो है ये कहाँ पे हो रहा है आपका? बेल्जियम में, ठीक है। वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप 2006 जर्मनी, और ये जो है जर्मनी में हुआ था। और उसके बाद 2022 जो आने वाला है वो कहाँ होगा? बेल्जियम में होगा। इस टाइम पे हमने पूछा है हु वॉन्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2006, तो वो जीता था जर्मनी ने। लेकिन कई बार अब आपका रिसेंट क्वेश्चन है कि किसने जीता। अगर हम बात करें 2018 का, किसने जीता है? वो जीता है बेल्जियम ने, किसको हराकर? नीदरलैंड को। लेकिन हुआ कहाँ था? होस्ट कंट्री क्या थी? इंडिया, ये याद रख लेना। अब 2022 में कहाँ हो रहा है? बेल्जियम में, तो ये चीज याद रख लेना। 2018 इंडिया ने होस्ट किया है, किसको जिताया है? बेल्जियम को जिताया। और आने वाले टाइम पे 2022 में बेल्जियम में होगा। हु हैज रिटन टू लाइव्स? टू लाइव्स किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। इट्स अ बुक, इट मीन्स बुक सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मार्क दीज पॉइंट्स। वॉट इज ऑर्निथोलॉजी? ऑर्निथोलॉजी जो है किसने लिख को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स। किसने की थी? सलीम अली के नाम से जानते हैं उनको, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। एक और वर्ड मैं दे देती हूँ आपको, एक वर्ड एंटमो। कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इट्स अ इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम दैट डिफीटेड इंग्लैंड इन 2006? इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो थी, ठीक है, उस टाइम पे 2006 में जिन्होंने, वो कौन थी? मिथाली राज। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम दैट डिफिटेड इंग्लैंड इन 2006? उस टाइम की जो भारतीय क्रिकेट टीम है महिला की, उसकी जो कप्तानी है वो किसके हाथ में है? मिथाली राज, आज भी वही है, ठीक है। और T20 जो है उसकी है हरमीत कौर कैप्टन। T20 की मिथाली राज जो है वो 2006 से आज भी जो है रिसेंटली वो मिथाली राज ही कैप्टन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज नॉन वायलेंस मूवमेंट? सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ पे शुरू किया था और कब शुरू किया था? तो स्टूडेंट्स, वो शुरू किया था 1917 में, और उस सत्याग्रह का नाम क्या था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में जो शुरू किया गया, वो कब शुरू किया गया? 1970 में, जिसमें नील खेती पे प्रतिबंध लगाना था। वेन वॉज द इंडियन एयरलाइंस IC-814 फ्लाइट, ठीक है। ये आईस पर क्वेश्चन को देखते हैं, कई बार ऐसे ही पूछ लें, IC-814 फ्लाइट किस, कौन सी एयरलाइंस है? इंडियन एयरलाइंस। कहाँ से चलती है? फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, ठीक है। मतलब IC-814 ये हाईजेक हुई थी, जो इसको मतलब हाईजैक टू कंधार, ठीक है। इसको एक ऐसा एरोप्लेन था इस टाइम पे 2006 के टाइम पे, एक प्लेन हाईजेक हुआ था। वो कब हुआ था? 25 दिसंबर 1999। तो ये चीज याद रखना कि जो व्हेन वॉज द इंडियन एयरलाइंस, कई बार हाईजेक से गए कि इंडियन एयरलाइंस जो IC-814 फ्लाइट है उसको हाईजेक किया गया था कंधार से, कब किया गया था? देखो 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन, हुआ कब था हाईजेक? 25 दिसंबर 1999 में। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ 2006 में? ये क्वेश्चन अभी हमने यूएनओ से किया है। 2006 में जो न्यू सेक्रेटरी जनरल थे, कब?
2006 में कौन थे? बान की मून. लेकिन आज रिसेंटली, रिसेंट एट प्रेजेंट, रिसेंट कौन है? एंटोनियो गुएटा. अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे किया है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज एंटोनी गुएटा और 2006 में कौन थे? बान की मून. तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आया गया. तो रीसेंट कौन है? एंटोनियो गुएटा और 2006 में कौन है? बान की मून. तो ये, और पहले मैंने आपको बताया ट्रिग्वे लाय. फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, पहले मनुष्य द्वारा पहला अनाज कौन सा था? वो था वीट. इसका बोटानिकल नेम बता देती हूं, ट्रिटिकम वल्गारे भी बोलते हैं या एस्टिवम, ठीक है, कोई भी, ट्रिटिकम वल्गारे या ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है. अगर वैसे देखा जाए तो ये सीरियल फैमिली की है, यानी आपकी ग्रामिनी फैमिली. किस फैमिली को बिलोंग करती है ये? ग्रामिनी फैमिली, सीरियल, ठीक है, तो ये याद रखना. नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज भगत सिंह द ग्रेट मार्टियर यानी शहीद पुट टू गैलो, मतलब महान भगत सिंह जो हैं फांसी पर कब चढ़ाया गया था? वो था आपका 23 मार्च 1931 को. तो कब चढ़ाया गया था आपका? 23 मार्च 1931. नेक्स्ट देखते हैं, विद विच इज द टर्म एपिसेंटर एसोसिएटेड. एपिसेंटर किससे रिलेटेड है, किस टर्म में यूज किया जाता है? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में जो है वर्ड एपिसेंटर यूज करते हैं. और इसके लिए कौन सा स्केल है? रिक्टर स्केल पे नापते हैं. इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी, ये याद कर लीजिए, राइट. और एक और चीज, जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं, कौन सी वेव्स होती हैं, इन वेव्स को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स. देखो जो वेव्स होती हैं वो होती हैं, ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट पोर्शन पे चल जाता है, PSLR, ठीक है. मैं फिर भी बता देती हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी लव और रिले. सबसे ज़्यादा जो होती है ये रिले, जो वेव्स हैं ये डैमेज करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं करती हैं. तो ये जो है लव रेज और जो रिले वेव्स हैं ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं. ये इनको बोलते हैं हम बॉडी वेव्स, इनको बोलते हैं हम सरफेस रेव, बॉडी जो अंदर ही अंदर हो जाएंगी. लेकिन ये जो वेव्स हैं इनको बोलते हैं सरफेस, जो सरफेस पे आकर डैमेज करती है वो सबसे स्ट्रांग है रिले. प्राइमरी और जो सेकेंडरी है ये इतना डैमेज नहीं करती हैं जितनी, इसका मतलब जो हमारी बॉडी, जो हमारी बिल्डिंग्स हिलती हैं या डैमेज होती हैं, इसका मतलब स्ट्रांगेस्ट वेव्स आर रिले सिस्मिक वेव्स. तो ये याद रख लेना. नेक्स्ट आता है, हु इज द चीफ ऑफ पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप हमस, जो आपका फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह है हमास, उसका प्रमुख कौन था? ठीक है, तो वो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हनिये. ठीक है, पैलेस्टाइन के थे और कौन थे? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हनिये. तो ये याद कर लेना. कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि हमस जो मिलिटेंट ग्रुप था उसका चीफ कौन था, तो वो कौन सा है? फॉर्मर जो पैलेस्टाइन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे इस्माइल हनिये. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है जो सिरका, पहले तो इसको ही समझ लो, विनेगर होता है सिरका. जितने भी चाइनीज डिशेस हैं उसमें सिरका डलता है, तो सिरके वाले अनियंस भी होते हैं. तो सिरका जो है उसका एसिड, आपका केमिकल नेम क्या है? वो है एसिटिक एसिड, या हम इसको बोलते हैं इथेनॉइक एसिड. अब इसका अगर हम केमिकल जो रासायनिक सूत्र जिसको बोल सकते हैं CH3COOH, ये है इसका फॉर्मूला. अब देखो
जो COH है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। और ये जो CH3 है ये एक हाइड्रोकार्बन से बनता है, हाइड्रोकार्बन एल्काइल है, ये है हाइड्रोकार्बन यानी एल्काइल हाइड्रो एल्काइल ग्रुप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एल्काइल ग्रुप, यानी आपका CH3 जो है वो एल्काइल ग्रुप है, COH इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब एल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब मिक्स हुआ तो आपका बनता है ऐसे ही। इसका एक और चीज, जिसके आगे COH लगा होगा, इक लगा होगा, मैं आपको एक वो बता रही हूँ आइडेंटिफिकेशन, ओइक लगा होता है, तो ओइक का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी उसका फंक्शनल ग्रुप होता है ओइक। तो ओइक एसिड इज इथेन, जहां पे ओइक आ गया इसका मतलब उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान क्या है, COH। कई बार इसको ऐसे आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, COOH ये भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखना। ओइक वर्ड आया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल फॉर्मूला क्या है, COOH। CH3, CH2, CH4 ये सारे क्या हैं आपके एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक चीज और बता दूं, जनरली वी कैन रिप्रेजेंट इट्स ऐसे RCOOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और R इज द एल्काइल ग्रुप। सो आई थिंक ये चीज क्लियर। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन बुक, अमेरिका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, थॉमस जेफरसन, किसने लिखी थी, थॉमस जेफरसन ने। विद विच काइंड ऑफ डांस इज बिरजू महाराज एसोसिएटेड, बिरजू महाराज जो हैं वो किससे रिलेटेड है, किस डांस से, किस नृत्य से रिलेटेड है, वो है कथक। तो ये याद रखना कि कथक से कौन से महाराज, बिरजू महाराज। हु इज द पर्सन विदाउट लेग्स टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट इज इट्स हाइट्स, 8848 मीटर्स। ऐसा इंसान बताओ जिनकी लेग्स नहीं है लेकिन फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पे जिसने चढ़ाई की थी, वो थे मार्क इंग्लिश, ये याद रख लेना, मार्क इंग्लिश जो थे, जिन्होंने, अ पर्सन इज हैंडीकैप्ड, ही हैड नो लेग्स, तो उन्होंने स्केल किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, वो क्या है आप, कौन है वो, आपके मार्क इंग्लिश। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स, कई बार हाइट भी पूछ लेता है, सो मार्क दीज टू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन विल इंडिया फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान 1 विल बी लॉन्च्ड, चंद्रयान 1 जो था वो कब लॉन्च किया गया, 2008 में, ठीक है। अभी कौन सा आया है, चंद्रयान 2, ठीक है, जो कब भेजा गया था, जुलाई में, राइट। और अभी सितंबर में इसकी जो है वहां पे इंस्टॉलेशन हुई, होनी थी, और किसके अंडर थी, के सिवाम, इसरो के, कहां से भेजा गया है, श्री हरिकोटा से, तो जुलाई में भेजा गया था, और के सिवाम जो थे इसके इसरो के चेयरमैन थे। 6 सितंबर को इसकी जो थी मिशन की स्टार्टिंग, मतलब इसने सैटेलाइट पहुंचना था लेकिन ये फेल हुआ है, तो इसके जो फेजेस थे, विक्रम, लैंडर, रोवर, तो वो हमने पढ़े हुए हैं, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि इस टाइम कब, जुलाई 2019 कब पहुंचना था, 6 सितंबर, लेकिन ये फेल हो गया है, ठीक है, और किस, विक्रम लैंडर के नाम से। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ जापान कॉल्ड, ये क्वेश्चन भी हमने कहीं किया है, तो जापान का पार्लियामेंट, संसद को क्या कहा जाता है, डाइट, राइट। और इंडिया की संसद, तो जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, डाइट, ठीक है। हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिटवीन 1997 टू 2001,
टू, मतलब 19। देखो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसी ने डेट बता दी गई या ईयर बता दिया क्या उस टाइम के आपको प्रेसिडेंट, तो आपको डेट प्रेसिडेंट के साथ उनके ईयर्स जरूर याद करना। तो 1997 और 2002 में कौन थे? डॉक्टर के कृष्ण कांत। और अभी कौन है? 2019 में कौन है? मिस्टर कोविंद। ठीक है, यही है आपके जो प्रेसिडेंट है, ये हैं आपके प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इस टाइम प्रेजेंट, वो है चंद्र बाबू वेंकैया नायडू। सॉरी, एक मिनट फिर से लिख देती हूँ। जो आपके 2019 के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, राइट। और प्रेसिडेंट कौन है हमारे? प्रेसिडेंट राम कोविंद, मिस्टर राम कोविंद। वेंकैया नायडू, ठीक है। ये कब थे, शुरू कब से हुआ, इनका सेशन शुरू कब से हुआ है? 2017। तो रिसेंटली अभी हमारे 2019 है। इनका इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि अभी भी चल रहे हैं। और ये हैं रामनाथ कोविंद, तो ये कब हैं आपके? ये भी 2017 में। इससे पहले कौन थे? अगर हम इससे पहले बात करें तो मिस्टर प्रणब मुखर्जी, राइट। और यहाँ पे कौन थे? मिस्टर हामिद अंसारी। हामिद अंसारी, तो ये याद कर लेना। इससे पहले यानी आपके ये 2017 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। हामिद अंसारी के बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन आए? वेंकैया नायडू। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उससे पहले कौन थे आपके? प्रणब मुखर्जी। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। और 1997 और 2002 में कौन आए? डॉक्टर के कृष्ण कांत। वेन डेड गुरु गोविंद सिंह क्रिएट खालसा? पहली चीज, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन को दूसरा रूप देखो, गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की है? वो है खालसा पंथ। कब की थी? अप्रैल 13, 1699 में, ठीक है। तो कब की थी? और अप्रैल 13 को क्या मनाई जाती है? बैसाखी। बैसाखी का फेस्टिवल होता है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ परमवीर चक्र? गैलेंट्री अवार्ड है फॉर द सेक्रीफाइस। और किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, बिलोंग्स टू हिमाचल, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा को जो था वो पहला परमवीर चक्र मिला है। और ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? हिमाचल के, ठीक है। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ प्रचंड द ग्रेट माओइस्ट लीडर ऑफ नेपाल? नेपाल के जो ग्रेट माओवादी नेता प्रचंड का असली नाम क्या था? पुष्प कमल दहल। क्या नाम था इनका? पुष्प कमल दहल। और इसका जो अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस टाइम नेपाल के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज मिस्टर ओसम, मिस्टर केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली, ये याद कर रहे हैं। तो आपको क्या है कि प्रचंड जो ग्रेट माइस्ट लीडर जो थे नेपाल के, वो कौन थे? पुष्प कमल, पुष्प कमल दहल। ये दो बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनसे पहले पहले तो ये रहे हैं आपके, एक रहे हैं ट्विन प्राइम मिनिस्टर 2008 से लेकर 2009 तक,
ठीक है, इनकी बात कर रही हूँ मैं, और 2016 से 2017 तक ये ट्विन प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं आपके नेपाल के, तो ये चीज याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इसका दूसरा नाम हम है ये भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वाई देखो एन ए इज फॉर सोडियम, एच फॉर हाइड्रोजन, सी फॉर कार्बन, ओ फॉर ऑक्सीजन, तीन कॉम्पोनेंट्स है, कौन, कई बार आपसे यही भी पूछ सकते हैं कि बेकिंग सोडा में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एन ए फॉर सोडियम, एच फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, सी फॉर कार्बन, ओ फॉर ऑक्सीजन, दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों बोला, जब भी हम, ये आपका फॉर्मूला है कार्बोनेट का, देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, कार्बोनेट होता है CO3, अगर हम इसके साथ H लगा दें तो ये बनता है बाइकार्बोनेट, तो इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा, ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होता है, फॉर बेकिंग, फॉर मेकिंग ब्रेड्स, केक्स, राइट, तो अगर हम जो ये जैसे ब्रेड केक्स में अगर हम इसमें टिंक्चर ऑफ, देखो बेकिंग पाउडर बनाना है ना, तो इसमें हम टिंक्चर ऑफ टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड डाल दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेकिंग पाउडर, ये याद रखना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें इसमें टिंक्चर ऑफ टार्ट्रिक एसिड डालेंगे, तो बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं जिससे हम ब्रेड केक्स जेलीज जो भी बनाना है। सो मैंने आपको ये बताया कि इसको कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज मत होना, सोडियम बाइकार्बोनेट को दूसरा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन की फॉर्म ये भी है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और ये हैं, ठीक है। हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये कौन थे, खान अब्दुल गफार खान, अब्दुल गफार खान को हम फ्रंटियर, इनको पठान भी बोलते थे, ठीक है, ब्लैक पठान्स भी बोलते थे, ये पठान भी हैं, ठीक है, और इन्होंने इंडिपेंडेंस टाइम पे बहुत पार्टिसिपेट किया है, तो फ्रंटियर गांधी किसका नाम है, खान अब्दुल गफार खान। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, पहली महिला कौन सी है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, जंको तबे ऑफ जापान, कब, 1975 में, तो कई बार क्वेश्चन देखो, तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं, 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने की थी, वो थी जंको तबे, ठीक है, तबे, कौन सी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, व्हाट इज इट्स हाइट, इट्स 8848 मीटर्स। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिश रेस्पायर्स थ्रू, फिश जो है वो सांस लेती है, रेस्पिरेशन इज टू इन आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, सांस लेना, ठीक है, तो जो आपकी फिश है यानी मछली जो है वो सांस किस ऑर्गन के थ्रू लेती है, तो इनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं गिल्स, जैसे हम जो है सांस लेते हैं तो हमारा मेन ऑर्गन होता है लंग्स, नोज से जाकर लंग्स में, फेफड़े, लेकिन इनके पास क्या है, गिल्स, और ये कहाँ पे रहती है, पानी में, तो इनको किस फॉर्म में लेती हैं ये ऑक्सीजन, दैट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको लेते हैं ये। सो व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दे आर गिल्स। हम सांस लेते हैं तो हम सांस कैसे लेते हैं, हम नोज से लेते हैं,
और देन गोज टू द लंग्स. तो लंग्स के अंदर हमारे फेफड़े हैं, तो हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ले रहे हैं. और ये जो है ये किस फॉर्म में लेती हैं, ये लेते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो पहला स्पीकर जो था वो थे सी वी मालवंकर. ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? सी वी मालवंकर. इन हाउ मैनी फील्ड्स नोबल प्राइजेस अवॉर्डेड एनुअली, मतलब हर साल नोबल प्राइज दिए जाते हैं. ठीक है, तो नोबल प्राइज जो हैं वो कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं? तो कितनी है? 6. फर्स्ट इज लिटरेचर, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स. राइट, तो आपको मैंने इनसे रिलेटेड जो है ये सारे करवाए थे कि नोबल प्राइज किस किस को मिला. आई होप स्टूडेंट्स आपको लर्न हो. अगर आपको चाहिए तो आप अपने इसका आंसर आप खुद देंगे. जैसे पीस में अबे अहमद थे, फिर भी मैं बता देती हूँ, अबे अहमद. ठीक है, मेडिसिन में थे, फिजियोलॉजी में विलियम, इस बार जो मिला है वो है आपके नाम लिख लीजिए, विलियम जी केलिन, 2019 की बात कर रही हूँ. ठीक है, ग्रेग एल सिमंजा, राइट, पीटर जे रेडक्लिफ, राइट. नेक्स्ट पीस के लिए है अभी अहमद, ठीक है. लिटरेचर के लिए पीटर हैंडके. नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए है, क्योंकि इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज निकाली हैं, तो जॉन बी गुड इनफ, राइट. और इनका नाम लिख लीजिए, स्टैनले विंगटन, और एक और है इसके साथ अकीरा यशनो. ठीक है, फिजिक्स के लिए भी बता देती हूँ. तो फिजिक्स के लिए हैं जेम्स पीबल, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेड्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स को मैं बताती हूँ, ये हैं आपके. ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं. हु रोड इन द लाइन ऑफ फायर, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो किसने लिखी है? परवेज मुशर्रफ ने. ठीक है, और हु वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फर्स्ट, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार, ये क्वेश्चन यूएनओ से तीन कर लिए हमने क्वेश्चंस यूएनओ के. देखो पहला किया मेंबर्स, फिर किया उसमें हमने सेक्रेटरी जनरल, अब वही क्वेश्चन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ ट्रेगवे हेविडले डाइन ले, यानी सीधे ट्रेगवे लाए. तो देखो तीनों क्वेश्चंस हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो ट्रेगवे लाए इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ. जब हमारा यूएनओ बना था 24 अक्टूबर 1945 को, तो जो सेक्रेटरी जनरल बने थे वो कौन थे? ट्रेगवे लाए. कहाँ के? नॉर्वे के. तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क. हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल स्पेस टूरिस्ट, मतलब पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, यानी आपकी फीमेल स्पेस टूरिस्ट कौन थी? अनशाय अंसारी ऑफ ईरान. कौन थी? अनशाय अंसारी ऑफ ईरान. नेक्स्ट देखते हैं, विच ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, के बीच में कौन सा ओशन है आपका? इंडियन ओशन. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. अफ्रीका को हम किस के नाम से जानते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट,
राइट। और ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इनके बीच का ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन। वैसे देखा जाए हमारा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, वो है पैसिफिक ओशन, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। नॉनस्टिक किचन वेयर इज कोटेड विद, जो आपके नॉनस्टिक पैन्स होते हैं ना उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, उस ब्लैक कोटिंग को क्या बोलते हैं? उस ब्लैक कोटिंग को हम बोलते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। उस वो जो कोटिंग होती है इट्स कॉल्ड पॉलीमर्स, ये है पॉलीमर, टेफ्लॉन पॉलीमराइजेशन से बनता है, CF6 CFC फ्लोरीन से बनता है। तो ये जो इसका फॉर्मूला है, इसकी चेन है ये CF6 CF6, इस तरह लंबी चेन पॉलीमर्स होते हैं, दे आर अनरिपीटेड चेन्स, एन नंबर ऑफ चेन्स कंटिन्यू। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2006? 2006 में नोबेल प्राइज किसने जीता था? ऑर्फन पैमक ने। और अभी लिटरेचर में हमारे पास किसने जीता है? पीटर हैंडके ने। 2019 में किसने जीता है? पीटर हैंडके। किसके नाम से दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल के नाम से ये नोबल प्राइज दिया गया है। अल्फ्रेड नोबल ने क्या डिस्कवर किया था? डायनामाइट। ये किसके नाम से डेडिकेटेड है? अल्फ्रेड नोबल, जिसने क्या डिस्कवर किया हुआ है? डायनामाइट, राइट। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1946 में, जो आपकी अंतरिम सरकार, मतलब 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हो गया था, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंतिम सरकार अंतरिम सरकार के टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन थे? वो थे लियाकत अली खान, ठीक है। और इस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीता रमन, राइट। तो ये है हमारी इस टाइम की 2019 की फाइनेंस मिनिस्टर, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से कौन हिमाचल से रिप्रेजेंट कर रहा है? अनुराग ठाकुर, मिस्टर अनुराग ठाकुर। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? प्लानिंग कमीशन इंडिया का कब बना था? मार्च 15, 1950 में। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन जो था वो 15 मार्च 1950 में बना था। ये क्या था? ये जो हमारे 5 ईयर प्लान्स वगैरह थे ये सारे उनको देखता था। लेकिन जब हमारी ये मोदी सरकार बनी थी ना 2014 में, तो 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था। उसकी जगह उन्होंने क्या बनाया है? नीति आयोग। ये आपने नाम सुना होगा, नीति आयोग ये बना। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, प्लानिंग कमीशन के बाद उसको डिसॉल्व करके क्या बनाया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा देख लें। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, इसका मतलब जितनी भी स्कीम्स, अमृत प्लान, अटल बिहारी योजना, आपकी डिजिटलाइजेशन इंडिया, वो कौन देखती है? नीति आयोग देखती है। और इसका हेड कौन है? किसके अकॉर्डिंग होती है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। नीति आयोग ये कब बनी थी? ये बनी थी 2014 में, ठीक है। इसके बाद ये है क्या? इट्स अ थिंक टैंक। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन यूजीसी के पेपर्स में भी पूछा गया है। व्हाट इज नीति आयोग? इट्स अ थिंक टैंक गवर्नमेंट, सोचो और करो, ठीक है। तो ये आता है कि इट्स अ थिंक टैंक गवर्नमेंट, और क्या है ये? इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जितने भी डिजिटलाइजेशन, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अमृत योजना, ये सारे जो है नीति आयोग देखता है। और एक और चीज, इसका मेन काम क्या है? टू अटेन सस्टेनेबल गोल्स, मतलब हमारे भविष्य को बचाने के लिए
और चीज जो इसके वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, राजीव कुमार, और जो सीईओ हैं इसके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं श्री अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, कई बार आपसे यही पूछ लेंगे, हो सकता है आपके पेपर्स में यही पूछ रहे, नीति आयोग कब बना था, किसका है प्लानिंग कमीशन, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, वाइस चेयरमैन जिसको आप बोल सकते हो, चेयरपर्सन वो कौन है, राजीव कुमार, लेकिन मेन चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये आ सकता है। इन विच फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स झानू हंसदा, हंसदा ने ऑफ झारखंड हैज मेड अ मार्क, मतलब किस में बनाया है, वो है आर्करी, इट्स आर्करी, ठीक है, तो उस पर बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ सिक्स्थ पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ पे कमीशन जो था उसके जो हेड हैं वो कौन थे, चेयरमैन कौन थे, जस्टिस बी एन श्री कृष्णन। अभी कौन सा चल रहा है, सेवेंथ पे कमीशन, इस टाइम कौन सा चल रहा है, सेवेंथ पे कमीशन। हर 10 साल बाद ये चेंज होता है, ठीक है, 10 इयर्स का पीरियड होता है। और पहला जो आपका ये है 2013 से लेकर अभी जो है सेवेंथ पे कमिश्नर, और उसके चेयरपर्सन है ए के माथुर, राइट। 2016 तक से चला है और अभी जो है वो सेवेंथ पे, इसमें काम क्या होता है, सेवेंथ जितनी भी सैलरीज हैं, जितने भी वो हैं, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सोसाइटीज़ की नीड्स बढ़ती जा रही है, तो कमी सैलरीज को भी बढ़ाना है, सो दैट कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम कर सकें और वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो ये है आपका, तो इसको आप याद करें। अभी तक एट्थ पे कमीशन नहीं आया, इस पर डाटा चल रहा है। जो पहला आया था ना आपका, पहला कमीशन जो आया था वो आया था फर्स्ट 1946 में, ठीक है, पहला जो आया फर्स्ट पे कमीशन वो कब शुरू हुआ था, 1946 में, और इनका नाम था श्रीनिवास, उसके चेयरपर्सन कौन थे, श्रीनिवास वर्धाचारी, वर्धाचारी। पहले सेवेंथ पे के कौन है, मिस्टर ए के माथुर, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि चेयरपर्सन ऑफ सेवेंथ पे कमीशन इज मिस्टर ए के माथुर, और सिक्स्थ के कौन थे, बी एन श्री कृष्णन। पहले के भी याद कर लो, 1946। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, कैपिटल ऑफ फिनलैंड क्या है, कैपिटल से भी क्वेश्चन आया है, हेलसिंकी, और इसकी करेंसी क्या है, ये भी याद कर लीजिए, यूरो। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, अंतिम वाइस राय भारत का कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। अब ये तो आपने सुना होगा माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन प्लान, राइट, जिसने इंडिया को और पाकिस्तान को डिवाइड किया था, ये बहुत है, और ये कब आया था, 3 जून को, राइट, 3 जून को आया था। उसके बाद माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग जो था इंडिया और पाकिस्तान, डोमिनियन ब्रिटिश यानी डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हुए थे इसी के बाद। सो ये यार लास्ट वाइस राय कौन थे जिसने माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट देखते हैं, जैपनीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज, जो फ्लावर मतलब जो जैपनीज लोग हैं वो एक फ्लावर का अरेंजमेंट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इकेबाना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज इकेबाना, इज द आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट बाय द जैपनीज पीपल। नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क एस्टेब्लिश जो कब एस्टेब्लिश हुई थी, December 8, 1919। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि सार्क जो है वो कब एस्टेब्लिश की गई है, December 8, 1985 का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ पे आपका काठमांडू, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, इसको हम देखते हैं, साग को क्या बोलते हैं, इट्स
कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, राइट, चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, जो इसके, ठीक है, इसके बारे में सेक्रेटरी कौन है इनके? अमजद, अमजद हुसैन, अमजद हुसैन बी सी आर, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, जो इस टाइम इधर के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ये याद रख लेना कि ये, और एक और है इसकी, मालदीव्स, राइट, ये क्या है आपके? मालदीव्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने ये सारा पेपर जो है, आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ये हमने एक पेपर सॉल्व किया है 2006 का। पिछला पार्ट भी 2006 का था एक पेपर, और ये जो था ये है आपका 2006 का सेकंड पार्ट। तो मतलब आपके ये क्वेश्चंस जो थे ये जनरल जीके के पूछे गए हैं। तो उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। सर स्टॉप करना। जो सार्क है, देखो, जब दिसंबर, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, दिसंबर 8, 1985 में मेन सेंटर काठमांडू है। जब ये बना था ना, तो उस टाइम पे इसका जो सेंटर था वो क्या था? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या थी? ढाका। जब ये बना था तो ये क्या था? इसका जो सेंटर, जो हेडक्वार्टर था वो था बांग्लादेश ढाका में। आफ्टर दैट इट शिफ्टेड टू द काठमांडू यानी नेपाल। एक और चीज, इसका नाम क्या है? साउथ एशियन अफ्रीकन रीजन कॉरपोरेशन, ये है इसका नाम। फिर से मैं क्लियर कर दूं ये चीज, और एक और नाम जो आपको मैंने बताना था इकोनॉमिक्स का, यहां लिख देती हूँ, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी और डफलो, बनर्जी एंड डफलो, इनको मिला, ठीक है, 2019 का, ये रह गया था। ये चीज याद रख लेना, बांग्लादेश ढाका। तो यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर दिए गए हैं। और इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और होप्स हो कि ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको लगा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2006 में, जहाँ पे चेंजेस करनी थी वहाँ पे चेंजेस की गई हैं। नेक्स्ट है कि आप अपना क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए। अगेन, सेशन कैसा लगा और अपना फीडबैक जरूर देना स्टूडेंट्स। आई होप, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।